धनबाद में रविवार को ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हम बता दें कि आज सोमवार को भी सुबह से धूप छांव की स्थिति बनी हुई थी और दोपहर के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। मॉनसून के दस्तक के बाद से ही धनबाद में मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। आपको हम बता दें कि पहले दिन ही 24 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छे बारिश को हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। मॉनसून के दस्तक के बाद से ही गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। सुबह से ही हल्की धूप छांव और बादल छाने के बाद रविवार की छुट्टी के दिन दोपहर के बाद से ही धनबाद में मॉनसून का आगमन हुआ। अगर हम सोमवार की बात करें तो आज भी सुबह से ही धूप और छांव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद से गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। घंटे भर की मूसलाधार बारिश ने गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत दी है। धनबाद में मॉनसून के पहले दिन ही लगभग 24 mm बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश के संकेत दिए हैं। वहीं सोमवार को भी आज ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है और बेहतर लोगों को यही होगा कि अब मॉनसून के दस्तक देने के बाद से लोग घर से छाता लेकर ही निकलें। आपको हम बता दें कि इस हल्की बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिली है और अब मार्केट में चाय पकौड़ों की डिमांड एक बार फिर से बढ़ गई है। लोग भी इस मॉनसून का आनंद ले रहे हैं अपने घरों में बैठकर। हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों को यही कहेंगे कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है, गर्मी से अब लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है, ऐसे में आप भी इस मौसम का मजा लें। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।